ट्रेंडिंग प्लेस में आपका स्वागत है। डॉट आज हम आपको स्वालबार्ड में आर्कटिक एडवेंचर पर ले जाएंगे। मुख्य भूमि नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच, नॉर्वे में स्वालबार्ड नामक द्वीपों का एक समूह है। यह पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बसे हुए क्षेत्रों में से एक है और अपने बर्फीले टुंड्रा, ग्लेशियरों और उबड़ खाबड़ दुर्गम इलाके के लिए प्रसिद्ध है, जो ध्रुवीय भालू, स्वालबार्ड रेंडियर और आर्कटिक लोमड़ियों की रक्षा करते हैं। सर्दी तब होती है जब उत्तरी रोशनी दिखाई देती है और गर्मी तब होती है जब आधी रात का सूरज पूरे दिन का सूरज होता है। उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी रोशनी के नीचे का क्षेत्र विशाल और मौन है। लोगयबियन के पास बहुत सारे हिमनद हैं। पानी से ग्लेशियर की शानदार बर्फ की दीवार को देखने के लिए एक दिन का भ्रमण करें। अपनी दूरी बनाए रखने के लिए ध्यान रखें, क्योंकि समय समय पर बर्फ के बड़े टुकड़े समुद्र में गिरते हैं, जिससे बहुत बड़ी लहरें आती हैं। इसके अतिरिक्त आप गाइडेड ग्लेशियर वॉक पर जा सकते हैं या मंत्रमुग्ध बर्फ की गुफाओं की यात्रा कर सकते हैं, जो आपको हिमयुग में ले जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि लोंगयबियन नगरपालिका सीमा को छोड़ने के बाद सुरक्षित रहने के लिए आपको एक जानकार गाइड के साथ जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वालबार्ड ध्रुवीय भालू का गृह क्षेत्र है। हमें इस क्षेत्र पर उनके अधिकार को स्वीकार करना होगा। आर्कटिक प्रकृति कठोर होने के साथ साथ नाजुक भी है। यही कारण है कि संरक्षित क्षेत्र स्वालबार्ड के आधे से अधिक हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त ऊंची ऊंचाई और भी बेहतर दृश्य प्रस्तुत करती है। बहुत सारे ऑपरेटर डे ट्रिप प्रदान करते हैं। एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में हर्टिग्रुटेन के मूव संकर संचालित कैटमरैन का प्रयास करें। एक जीवित इतिहास संग्रहालय, पैदल या स्नोमोबाइल द्वारा पिरामिडन की यात्रा करें। अपने चरम के दौरान यहां 1000 निवासी थे। जब कोयला खदान बंद हुई तो अधिकांश स्थानीय लोगों ने स्थानांतरित कर दिया। सर्दियों में स्वालबार्ड पर रोशनी की तुलना में कुछ भी नहीं है, जब तारे काफी करीब दिखाई देते हैं। अक्टूबर और फरवरी के बीच अंधेरा होता है और उत्तरी रोशनी वातावरण को तेज करती है। इसके अतिरिक्त आप गाइडेड ग्लेशियर वॉक पर जा सकते हैं या मंत्रमुग्ध बर्फ की गुफाओं की यात्रा कर सकते हैं, जो आपको हिमयुग में ले जाती हैं। डार्क सीजन कई तरह की गतिविधियां प्रदान करता है, जैसे प्लैटफजलेट माउंटेन पर चढ़ना, डॉग स्लेजिंग और नॉर्दर्न लाइट्स देखना। गर्मियों के दौरान मध्यरात्रि का सूरज अप्रैल से अगस्त तक आकाश को रोशन करता है। इंटरेस्टिंग बात, आपको स्वालबार्ड में प्रवेश करने या काम करने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।
चर्चित जगहों पर हमारे पास 200 से अधिक वीडियो हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें।